तिवारी जी, आपके ऊपर आरोप यह है कि आपकी पार्टी जब भी सत्ता में रही तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाती रही। तो सरासर गलत बात है और बीजेपी से दरअसल आपने आज बात सही है दिलों को मिलाने की और एक महायज्ञ प्रारंभ किया है तिवारी जी आपने भी कि लोगों के दिल मिल सके, इसलिए मतिर 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 भन्ना लोगों को बुला करके बैठाला है आपने। दरअसल इस पूरे मामले में वातावरण प्रदूषित करने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो हम सब भली भांति जानते हैं। अभी चुनाव, जब भी चुनाव आता है उनको रामलला याद आते हैं और मेरे को तो कुछ पंक्ति याद आ रही है, जल्दी जल्दी पढ़ने कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हैं आपके कि आग कहां लगती है, किसको गम है, एक एक करके भाई आग कहां लगती है, किसको गम है, आंखों में कुर्सी है, परचम है, मर्यादा छा गई चिता के कंडों पर और कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु संतों या पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों और घरों में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे बेरों में। तो जहाँ प्रेम है वहाँ राम है। भारतीय जनता पार्टी ने, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का वक्तव्य सुन रहा था मगर आपने, जो मध्य प्रदेश के थे अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडा में राम जी का जन्म स्थान शुरू से रहा है, हमारे राजनीतिक एजेंडा में। तो हमारे लिए राम राजनीतिक एजेंडा नहीं है, तो हमारे धार्मिक एजेंडा में है कि भाई जब हम अपना साल भर का तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बनाते हैं तो उसमें अयोध्या भी जाएंगे, मथुरा भी जाएंगे, द्वारकाधीश भी जाएंगे और हमारे चारों नहीं, अरे आपका जबानी जमा कर चाहिए। देखिए अनिल फिरोजिया से जवाब है, हमारे धार्मिक एजेंडा में है, अनिल फिरोजिया साहब है पार्टी के राजनीतिक एजेंडा में है। हितेश वाजपेयी का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने प्यार मोहब्बत से खानदान की इज्जत बताई। मनीष शुक्ला भी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी का इज्जत बताने पर आज करते हैं और आज भी क्या हो रहा है बताइए ना। मनीष शुक्ला परेशानी ये है, परेशानी ये है तिवारी जी, ये आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं राजन तिवारी है, भारतीय जनता पार्टी को अचानक राम याद आते हैं और उसमें मैं आप स्पष्ट मानिए, कुछ मुसलमान वर्ग के नेता तिवारी जी को विश्राम दीजिए तो उनका जवाब दिया जाए। देख रहा था तिवारी जी, आप जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तिवारी जी, आप बोलते थे कि हम संविधान के अनुरूप चलेंगे और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको मारेंगे। तिवारी जी तो राम का क्या विश्राम, तिवारी जी थोड़ा सा आराम कीजिए, जवाब भी ले लीजिए अपनी बात का। पुनर्याचिका तिवारी जी पुरुषोत्तम राम जवाब ले लीजिए आप अपनी बात का, मनीष शुक्ला जवाब दे रहे हैं दूसरे लोगों में। ठीक है राम साहब, एक सेकंड देखिए दिलीप जी, दूसरी तरफ ये जिलानी और ये अकबरुद्दीन, अरे भाई जैसे लोग राजन तिवारी जी, राजेंद्र राजू रुकिए 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 जरा, आप जरा राजेंद्र जी लोग घी डालने का काम कर रुकिए 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 जरा कहाँ से। दो नेता हैं बीजेपी के, एक सांसद हैं जो संसद में जय श्री राम के नारे भी लगा सकते हैं क्योंकि आज उनकी पार्टी ने लगाया है, अनिल फिरोजिया साहब हैं और आपके साथ मनीष शुक्ला जी बैठे हुए लखनऊ में, बताइए नहीं दिल्ली में चुनाव भी है तो लगाएंगे नारा, बताइए फिरोजिया साहब है ना, तो अल्लाह अकबर अगर लगा देते सांसद में नारा तो ना ये बताइए। फिरोजिया साहब की आवाज नहीं आ रही लगता हमको, आपकी आवाज सुन नहीं पा रही देश की जनता। मनीष शुक्ला जी बोलिए। तिवारी जी 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 देखिए दिलीप जी, दो दो सवाल खड़े हुए, हाँ। एक तो शोएब जी ने खड़ा किया कि सीए धार्मिक आधार पे, तो पहले तो आप इस्लामिक स्कॉलर है तो जान लीजिए कि हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई ये इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक एक वर्ग है धर्म नहीं है, जैसे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों का एक वर्ग है उसको धर्म से डिफाइंड नहीं कर सकते। नहीं, नहीं वो तो ये कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया, उनका कहना ये मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया, उससे बाहर निकाल दिया आपने। अरे मैं वही कह रहा हूँ तिवारी जी, तो चूंकि उन तीनों देशों में मुसलमान वहां का आधिकारिक धर्म है तो ये माना जाएगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में कम से कम मुसलमान धार्मिक रूप से उत्पीड़ित नहीं होगा चूंकि वहाँ का तो अरे भाई आर्टिकल 40 है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और एनी पर्सन को देता है समानता का हिस्सा, समानता का अधिकार उनके ऊपर लागू होता है, देश का कानून संविधान उनके ऊपर लागू होता है जो हिंदुस्तान का नागरिक होगा,
पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों के ऊपर आप कैसे हिंदुस्तान का कानून और संविधान लागू करोगे? यही पिछले 50 दिन से इसके नाते से विमर्शता है। अभी सरकार आने वाली वो प्रियम्बल या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो भ्रम आप लोग पैदा कर रहे हैं, यही भ्रम है इस कानून का जो विमर्शता पैदा करता है। ये कहां कहां गया? इसका ताल्लुक उन प्रताड़ित माइनॉरिटीज से है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जी, और माइनॉरिटी एक वर्ग है, धर्म नहीं है, मुसलमान भी हैं जो प्रताड़ित और जैसे जी, जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत तो क्लियर और लाउड, जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं वो महात्मा गांधी जी के विचारों का विरोध कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी के भावना का विरोध कर रहे हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के विचारों का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, और नागरिकता कानून के अंतर्गत जो जिनको नागरिकता दी जा रही है सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मेरे मैं खुलेआम इस बात को कहना चाहता हूं, इसकी जो भावना है उसको समझिए, आप एक शब्द को लेकर उसके पीछे पड़ गए। कानून भावनाओं से चलता है या तकनीक के बुनियाद पर चलेगा? मुझे प्रोसिक्यूटेड वर्ड दिखा दीजिए फिरोज बख्श साहब, शोएब जामई को, जो आप बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। आप तो काले कौवे को सफेद कहने पे तुले इलाज नहीं है। मेहमान बहुत है, एक सेकंड, आप लोग सर्जिल सर्जिल जैसे लोगों को मनीष पानी दे रहे हैं। मनीष आप इंतजार कीजिए, मनीष एक सेकंड, मनीष ये जरा हम जरा संदीप मिश्रा से ले लेते हैं, एक सेकंड भी। आप समाजवादी पार्टी का पक्ष आना चाहिए, बताइए संदीप जी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आज आप, समाजवादी पार्टी का एक नया चेहरा, युवा चेहरा, बताइए। आपके चैनल पे घंटों से बात चल रही है जी, आपका पक्ष जरूरी है, देश तोड़ने की बात कर रहा है, कोई हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है। आपका जो मैटर है, आपका जो सवाल है, आपने छोड़ा है, मंदिर भी मिलेंगे, मस्जिद भी मिलेंगे, दिल कब मिलेगा? इस मुद्दे पे आना चाहिए ना हमें, मंदिर मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगे, दिल कब मिलेगा? दिल कैसे मिलेगा जब देश के संसद में, देश के संसद में वरना छोड़ दें, एक एक करके पूरी बात आने। संदीप मिश्रा जी बताइए, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, बताइए आप कैसे कर रहे हैं मुसलमानों को भड़का रहे हैं देश के संसद में, देश के संसद में गाते चले आए हैं, गिरिराज सिंह नारा लगाते हैं जय श्री राम का, गिरिराज सिंह नारा लगाते हैं जय श्री राम का, वहाँ उनको नारा लगाना चाहिए, नारे तस्दीक अल्लाह अकबर, जिनको बताइए जो बोलेगा सो निहाल होगा, तब लगता है कि नहीं देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तब लगता है कि दिल को दिल से जोड़ने की बात कर रहे हैं। अनिल फिरोजिया हिंदुस्तान को हमारे कोई नहीं, अनिल फिरोजिया क्या कह रहे हैं? आपसे एग्री करता हूँ, बाकी बात आपकी गलत थी, ये सही है। अनिल फिरोजिया साहब क्या कह रहे हैं आप? ये बात सही कही है आपने, पहले वाली बात गलत थी आपकी। धीरे धीरे फिरोजिया साहब बताइए, आप लोग नारे लगवा रहे हैं संसद के भीतर, आवाज आ रही है फिरोजिया साहब, बोलिए, नारों से कुछ नहीं होगा, काम करिए, जमीन से जुड़ के काम करिए, लाइट दीजिए, पानी दीजिए, लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए, अच्छे स्कूल दीजिए, अच्छी डिस्पेंसरीज दीजिए। फिरोजिया जी सुन पा रहे हैं? दिल से दिल मिलेगा जिस हिसाब से आपने, ठीक है, शायद आवाज नहीं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अजीक बदूद जो है मुस्लिम स्कॉलर है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर, यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं टीवी में और वहां बाहर कुछ और बोलते हैं लोग। बताइए बदूद साहब, मुस्कुरा रहे हैं आप, यकीन नहीं हो रहा दिलीप कानों पर? दिलीप जी वो मुस्कुरा सर, मैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर सियासत को किनारे कर दिया जाए तो धर्म कितना प्यारा नजर आता है, और धर्म जैसी चीज, पाक चीज को जिस प्रकार से सियासत में और व्यापार में इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, धर्म का अपमान है। मंदिर बन रहा हो चाहे मस्जिद बन रहा हो, दोनों जगह ही जो लोग आते हैं वो एक टिप्पणी छोटी सी प्रति श्रद्धा लेकर के आते हैं, एक छोटी सी टिप्पणी लेते हैं बदू साहब, लोगों को बांटने की कोशिश होती है तो थोड़ा सा संतोष जी होता है। संतोष जी आप बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए आप तो वहाँ पर गए थे राम जी का झंडा उठा के, और यहाँ पर तिवारी जी कह रहे हैं कि झंडे से काम नहीं चलता है, राम तो शबरी के बेर में बसते हैं, कहाँ झंडे डंडे लेके घूम रहे थे आप लोग? अब उनको हम समझा इसलिए नहीं सकते हैं कि उन्होंने अयोध्या को देखा नहीं है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वो परिचित नहीं है, यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है उनको।
मैंने अभी समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुनी, उन्हें अल्लाह अकबर पे ज्यादा महत्व दिया। खैर वो अपने पार्टी के एजेंडे पर ही हैं। और भाई तिवारी जी जो बोल रहे थे उसको भी सुना। ये इन लोगों में मैं समझता हूँ धार्मिकता का अभाव है और देश के प्रति संतोष जी टाट में अगर आप आए होते किया है आप लोगों ने भगवान, अगर आप आए होते शोषण कर रहे हैं आप राजनीति में रहते हुए, उससे ज्यादा निंदनीय बात नहीं हो सकती है। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवाय, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं देश की। तिवारी जी जरा बताइए कि प्रधानमंत्री आते नहीं है, मगर अब दिल्ली में चुनाव है, रामलला का मामला है, इसके आकर के प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे।